नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। नए कोरोना वेरिएंट B11529 यानी ओमिक्रॉन ने अब जान लेनी शुरू कर दी है। ब्रिटेन से खबर आ रही है कि वहां पे पहली मौत हुई है ओमिक्रॉन से। अभी तक ये 59 कंट्रीज में फैल चुका है जिसमें भारत भी शामिल है। यहां पे 38 केसेज आ चुके हैं। कल बहुत सारे राज्यों में ये केस आए थे, आंध्रा से लेकर केरला और चंडीगढ़ तक। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि लगातार एक्सपर्ट्स ये सलाह दे रहे हैं कि आप जो है दो चीज़ जो बताई गई थी यानी कि मास्क और दो गज की दूरी, उसको फॉलो कीजिए। इससे बचने का अभी फिलहाल कोई रास्ता नहीं है। इसका संक्रमण तेज है लेकिन कहा जा रहा था कि उतना मारक नहीं है। अब ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन, उन्होंने इसकी पुष्टि की है कि जो पहला केस ब्रिटेन में मिला था उसकी मौत हो गई है। भारत में अभी तक 38 केसेज मिल चुके हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि जयपुर में यानी राजस्थान में जो 9 केसेज मिले थे उसकी रिकवरी भी हुई है और महाराष्ट्र में भी कुछ रिकवरी हुई है। लेकिन लगातार केसेज बढ़ रहे हैं भारत में भी। शुरू में आपको याद होगा 2 दिसंबर को ओमिक्रॉन का केस भारत में मिला था। सबसे पहला केस जो मिला था वो कर्नाटक में मिले थे। 2 केस, एक 66 ईयर्स के मरीज थे और एक 46 ईयर्स से 66 ईयर्स वाले आ करके वापस दुबई चले भी गए थे, पता भी नहीं चला था। और जो उसके बाद मिलने का जो सिलसिला शुरू हुआ तो सबसे ज़्यादा 18 से अधिक केस इस समय महाराष्ट्र में है। देश की राजधानी दिल्ली में 2 केस है। यदि बात करें रूटीन केसेज की जो कोरोना के आ रहे हैं तो वहाँ पे भारत में जो है केसेज जरूर घटे हैं। 7300 के आसपास नए केस आए हैं और रिकवरी जो हुई है वो 7900 के आसपास रिकवरी हुई है। 202 लोगों ने जान गंवाई है और इस दौरान वैक्सीनेशन जो है वो 133 करोड़ का आंकड़ा पार कर गया है, जबकि 65.66 करोड़ सैंपल की टेस्टिंग हुई है। तो ओमिक्रॉन से बचने का सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है, एहतियात बरतिए, मास्क पहनिए, 2 गज की दूरी मेंटेन कीजिए। अदरवाइज ओमिक्रॉन धीरे धीरे पैर पसार रहा है देश में भी और दुनिया में भी। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।